सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो V29e मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो सिस्टम अपडेट करना या फिर दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट करना, दोस्तों ये जो सिस्टम अपडेट होता है ऑटोमेटिक आता है दोस्तों, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया रहेगा तो सेटिंग के ऊपर वन लिखा रहेगा, मिल जाएगा रेड कलर में, तो आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी अपडेट आया रहेगा वो सारा अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना MB का है और क्या क्या अपडेट है वो सब यहाँ से आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर कंटिन्यू डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा डाउनलोड किया है यहाँ पे, इसलिए 24% जो है डाउनलोड हो चुका है। ये दोस्तों डाउनलोड होते होते ये परसेंटेज जो है 100 होएगा और ये लाइनिंग पूरी जो है ब्लू हो जाएगी। ब्लू होने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने के बाद स्विच ऑन होगा और फिर से आपका स्विच ऑफ होगा, फिर से स्विच ऑन होगा। दोस्तों आपका इस तरह से दो बार, दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दो बार आपका स्विच ऑफ स्विच ऑन होगा, इसलिए आपको मोबाइल को साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद दोस्तों आपका 10-15 मिनट का टाइम भी लग सकता है, इसके बाद आपका मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों मोबाइल डाटा की या फिर वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो V29e मोबाइल में सिस्टम अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो आपको सही जानकारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।